नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कृषि कानून के विरोध में आप पार्टी के कार्यकर्ता कालीचरण चौराहे से निकाल रहे कृषि मंत्री की शव यात्रा पुलिस ने नहीं निकालने दी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून पारित किए गए हैं। इन 3 कृषि कानून का विरोध आज सागर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और शहर के कालीचरण चौराहे पर सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। यहां से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की शव यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शव यात्रा नहीं निकालने दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र जैन ने कहा, हम लोग पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कृषि मंत्री की शव यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें ऐसी यात्रा नहीं निकालने दी और डरा धमका कर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को भगा दिया। इसके बाद कार्यकर्ता कालीचरण चौराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। देश का अन्नदाता किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, आज अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 50 दिनों से हड्डी कपाने वाली ठंड में बारिश और मावट के बीच भले आसमान के नीचे बैठा है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद है कि उनमें से 60 किसान अन्नदाताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा भारत के किसान धरने पे बैठे हुए 65 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, उनके समर्थन में और तीनों कृषि बिलों के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सारे मध्य प्रदेश में पूरे जिला स्तर पे आंदोलन कर रही है और उसी क्रम में आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। मैं पुलिस प्रशासन की निंदा करता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों को, जब हम लोग कृषि मंत्रालय की अर्थी निकालना चाहते थे तो उन्होंने जबरन हम लोगों की अर्थी छीन ली और कुछ साथियों को डरा धमका कर भगा दिया। मैं पुलिस प्रशासन की पुनः निंदा करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ उसमें
बहनें भी हैं, भाई भी हैं, कि इस तरह से हो सकता है हम छोटे दल हों, पर इस प्रकार से हम लोगों के साथ कृत्य निंदनीय है और मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या कारण है कि आपकी और हमारे जो जिला प्रजापति के ग्रामीण वो उसका वचन आप लोग कम लोग मालूम क्या है कांग्रेस हमारे कुछ अवशेष बचे हैं। हम कहाँ गए?